हेलो यू ऑल आर वेलकम टू द जेके सिविल सर्विसेज। इन दिस वीडियो लेक्चर हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं तो ये आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू या फिर इस पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का यहाँ पे क्या मतलब है, जब एक इंडिविजुअल या फिर एक इंसान, ठीक है, वो अपने इमोशंस को बैलेंस करे, ठीक है, मैनेज करे बहुत ही वाइसली और इंटेलिजेंटली, तो ये क्या होता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। किस तरह के इमोशंस वो हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपके, जैसे आप मान लीजिए रेस्टलेसनेस होती है आपको, किसी तरह की एनजाइटी होती है, ठीक है, या फिर आप पीसफुल नहीं रहते हैं, आप सैड हैं या अनसेटिस्फाइड हैं, किसी भी तरह का इमोशन, ठीक है, अगर आप में है तो कैसे एक इंडिविजुअल उसको बहुत वाइसली बहुत इंटेलिजेंटली उसको बैलेंस करता है अपनी ज़िंदगी में, कैसे उसको अपनी ज़िंदगी में मैनेज करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस आज के टाइम में हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। वो क्यों? क्योंकि आज की लाइफ में या आज की डेट में पर्टिकुलरली मैं यहाँ यूथ की बात करूँगी तो इस चीज़ का बहुत लैक है। तो क्योंकि वो अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते, इसलिए वो ज़्यादातर डिस्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है, या फिर किसी ना किसी तरह का डिप्रेशन उन लोगों में देखा जाता है। तो देख लीजिए, इमोशनल इंटेलिजेंस में लिख यहाँ पे क्या रखा है। देखिए, 1990 में दो लोगों ने, दैट इज़ पीटर सालवॉय एंड डी मायर ने इस इमोशनल इंटेलिजेंस की टर्म को क्वाइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड टू द अंडरस्टैंडिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ अवर ओन इमोशन। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस में हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, किसको, अपने इमोशंस को, और साथ ही साथ जब हमने उस इमोशंस को अंडरस्टैंड कर लिया कि किस एक पर्टिकुलर इमोशन जो है वो हमें फील हो रहा है, तो उसको हम मैनेज भी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता चला कि हम सैड है, तो जब तक हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे उस एक पर्टिकुलर इमोशन को, उसके बाद ही तो हम उस चीज़ को मैनेज करेंगे कि हम उस चीज़ से कैसे, उस सैडनेस से हम कैसे ओवरकम हो सकते हैं, ठीक है। अगर और डीप में मैं बात करूं तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है द कैपेसिटी टू बी अवेयर एंड कंट्रोल ऑफ, मतलब हमें जो हमारा इमोशन है हम उसके बारे में अवेयर रहें, हमें पता हो कि किस तरह का इमोशन जो है वो हम फील कर रहे हैं, साथ ही साथ उसको कंट्रोल करने की पावर भी हम में होनी चाहिए। इसके साथ क्या लिखा है, एंड एक्सप्रेस वंस ओन इमोशन। देखिए, एक्सप्रेस वंस इमोशन का यहाँ पे क्या मतलब है, देखिए जब आपको पता चल गया, आप अवेयर हो गए कि किस तरह का इमोशन जो है वो आप फील कर रहे हैं, इसके बाद कंट्रोलिंग पावर भी आप में आ गई कि आपको पता है कि उस इमोशन को आपको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है। और साथ ही साथ इमोशनली एक इंसान इंटेलिजेंट तभी होगा जब उसको पता होगा कि उस एक इमोशन को जो भी आप में वो है, ठीक है, कोई भी, फॉर एग्जांपल आप सैडनेस का ले लीजिए, तो उस इमोशन को आपको कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ठीक है, उस जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं और आपको एक मीटिंग अटेंड करने जाना है, बट एट द सेम टाइम आप बहुत गुस्से में हैं, ठीक है, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट तब होंगे जब वहाँ पे आप उस गुस्से को, अपने एंगर को वहाँ पे शो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि पता, आपको पता है कि अगर आपने गुस्से को वहाँ पे शो किया तो वो आपके खुद पे ही उल्टा पड़ जाएगा, ठीक है। तो इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान तभी होता है जब उसको पता हो कि कहाँ पर उस एक पर्टिकुलर इमोशन जो उसमें है उसको यूज़ करना होता है। इसके साथ साथ अपने इमोशन को हैंडल करने के साथ साथ इमोशनली एक इंसान इंटेलिजेंट तभी होगा जब वो दूसरों के इमोशंस को भी, ठीक है, सामने वाले जो लोग होगा, ठीक है, उसके इमोशंस को भी बहुत अच्छे से समझ रख सके। तो क्या लिखा है, एंड टू हैंडल द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, जो दूसरे जो लोग हैं जिसके साथ उनका रिलेशनशिप है, उस उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको भी जुडिशियसली देखें या एम्पेथेटिकली। एम्पेथेटिकली का मतलब ही होता है हैविंग द एबिलिटी टू इमेजिन हाउ समवन इज फीलिंग, ठीक है। तो वो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए कि आप दो दोस्त हैं, ठीक है, और आप में किसी ना किसी तरह की आपस में
कुछ बहस हो चुकी है, ठीक है। तो जब ये दो इंडिविजुअल हैं यहाँ पे, इनको आपस में कुछ बहस हो रखी है, या फिर ये दो फ्रेंड्स हैं, तो अब ये इंसान जो है या ये वाला जो फ्रेंड है ये इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। बट ये इमोशनली इंटेलिजेंट तभी कहलाएगा जब इसको अपने साथ साथ ये इसकी फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड करे, जब इसको पता रहे कि भाई ये इंसान या ये फ्रेंड इसका इसके साथ इसीलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि ये भी इससे नाराज़ है, ठीक है। तो ये था आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट। अब देखिए नेक्स्ट जो है, इस इमोशनल इंटेलिजेंस में हम बात कर लेते हैं कि कब एक इंसान को हम जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट बोलेंगे। देखिए इसके तीन पॉइंट्स हैं, अगर ये तीन पॉइंट कोई भी इंसान फुलफ़िल कर रहा है तो इसका मतलब वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि इमोशनल अवेयरनेस, एक इंसान को जो है वो इमोशनली अवेयर होना चाहिए, मतलब उसको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी इमोशन जो है वो एक इंसान में होते हैं, ठीक है। एंड द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, और वो अपने आप में भी उस एक इमोशन को जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आइडेंटिफाई कर पाए कि उसमें किस उसको किस तरह का इमोशन जो है वो फील हो रहा है। फॉर एग्जांपल कभी कभी देखिए हम बोलते हैं कि मम्मा आज मुझे जो है कुछ ये कुछ अजीब सा लग रहा है, बहुत कुछ मन नहीं कर रहा। तो किस तरह का आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्या आपको मन नहीं कर रहा, आप उसको क्या नाम देंगे उस एक पर्टिकुलर इमोशन को, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ साथ मतलब आप एक बार अवेयर हो गए, आपको पता चल गया कि किस तरह का आपको इमोशन जो है वो फील हो रहा है, तो इसके साथ साथ आप उसको रीज़न भी दें कि भाई मुझे अगर ऐसा इमोशन एक टाइम पे फील हो रहा है तो वो ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। तो तभी वो इंसान जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाएगा। सेकेंड है कि द एबिलिटी टू हार्नेस दोज इमोशंस एंड अप्लाई टू द टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए इस पॉइंट को मैं आपको एक एग्जांपल के समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए इमोशनली एक इंसान इंटेलिजेंट तभी कहलाएगा जब उसको पता हो कि वो जो एबिलिटी है या फिर एक पर्टिकुलर जो इमोशन है उसको वो कैसे हार्नेस करना है। देखिए आप मान लीजिए कोई एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, वो अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जा रहा है, ठीक है। तो जब वो मार्केट जाता है तो वहाँ पे वो एक पर्टिकुलर चीज़ की उनसे डिमांड करता है, अपने पेरेंट्स से डिमांड करता है, तो पर पेरेंट्स जो हैं वो उसको बार बार रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चा वहाँ पे क्या करेगा, बच्चा वहाँ पे रोना स्टार्ट कर देगा। तो वहाँ पे वो उसने क्या किया, उसने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ किया, और उस इमोशन में उसने कौन सी इमोशन का यूज़ किया, वहाँ पे उसने रोना शुरू किया, ठीक है। उसने अपने उस कौन सा इमोशन जो उसकी एबिलिटी थी, कौन सी वाली रोने वाली एबिलिटी जो थी उसको हार्नेस किया ताकि उसके माँ बाप जो हैं उसकी एक वो जो पर्टिकुलर डिमांड है उसको कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पे बच्चा क्या हुआ, इमोशनली इंटेलिजेंट हुआ, क्योंकि उसको पता था कि उसको कौन सी जो उसकी एक पर्टिकुलर एबिलिटी है, जो उसका एक पर्टिकुलर इमोशन है, उसको वो कब हार्नेस करना है, ठीक है। थर्ड है द एबिलिटी टू मैनेज द इमोशंस विच इंक्लूड बोथ रेगुलेटिंग वंस ओन इमोशंस व्हेन नेसेसरी एंड हेल्पिंग द अदर्स टू डू द सेम। मतलब अगर एक इंसान को अपने साथ साथ अपने इमोशंस के साथ साथ दूसरों के इमोशंस का भी ख्याल करना है, ठीक है, उसको भी देखना है कि किस तरह से सामने वाला इंसान जो है वो फील करता है, ठीक है। तो ये था इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, जब हम कहेंगे कि एक इंसान जो है वो कब इमोशनली इंटेलिजेंस है, सॉरी इंटेलिजेंट है। देखिए अगर मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की आपके साथ बात करूं तो पूछा ये जाता है कि भाई ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, इसकी नेसेसिटी क्या है या फिर इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। देखिए इफ़ वन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि वट काइंड ऑफ इमोशन वी हैव एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो उससे क्या होगा, हम उस जो भी हम इमोशन जो हम एक पर्टिकुलर टाइम पे फील कर रहे होंगे हम उसको मैनेज कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम खुश हैं एक टाइम पे तो हम क्या करेंगे, इस हैप्पीनेस को हम रिटेन करने की कोशिश करेंगे, तो इसका इस रिटेनिंग में हम क्या करें, उसको मैनेज करने की, या फिर अगर हम सैड हैं, ठीक है, तो जब हमें पता चलेगा कि हम सैड हैं,
ठीक है, हम इतने इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, या जब अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस हम में होगी तो हमें उसके बाद ही हमें अवेयरनेस आएगी, हमें पता चलेगा कि हम जो है वो दुखी हैं, ठीक है, उसके बाद ही हम उसको मैनेज करेंगे और उससे ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये है आपके इमोशनल इंटेलिजेंस की एडवांटेजेस। इसके अलावा कुछ और एडवांटेजेस भी यहाँ पे हमें देखने को मिली हैं, क्या क्या हैं, देखिए एक एडवांटेज यहाँ पे दे रखी है, एडवांटेज टू द इंडिविजुअल। देखिए इमोशनली कोई अगर इंसान इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, दैट इंक्रीज देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, विलिंगनेस टू स्पीक देयर माइंड। इसके अलावा अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट है, इमोशनली इंटेलिजेंट है, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो काम कर रहा है उसको कैसे बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। देखिए अगर कोई इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट है तो दैट इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल आर मोर कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ज़्यादा रहेगा एंड मोर मोटिवेटेड, ठीक है। तो अगर मोटिवेटेड रहेगा क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे मतलब उसको फ़ायदा ही होगा, ठीक है, वहाँ की प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, और क्या है, एंड मोर कमिटेड टू द पर्पस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। देखिए कॉन्फ्लिक्ट का जो मतलब होता है, मैंने आपको जब सिलेबस डिस्कशन किया था आपके साथ, मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे दो लोगों का जो थॉट प्रोसेस होगा, ठीक है, या फिर दो लोगों की जो आइडियोलॉजी होगी वो डिफरेंट होगी। तो कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब हुआ, आप मानिए इट इज़ अ सिचुएशन या फिर एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे इन विच पीपल डिसएग्री टू वन अनदर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर, ठीक है, या फिर जहाँ पे कोई आपके पास एक कॉमन सिचुएशन है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको उसको हैंडल करना है, ठीक है, बट यहाँ पे दो लोगों को उनको हैंडल करना है। तो इन ये वाला जो फर्स्ट पर्सन होगा इसका थॉट प्रोसेस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट होगा, और यहाँ पे एक जो एक इंडिविजुअल होगा उसका जो थॉट प्रोसेस होगा, उसकी जो तरीका होगा, उसका जो आइडियोलॉजी होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व करने का, वो डिफरेंट होगा। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो इन दोनों के बीच में यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा। तो मेजॉरिटी में ये आपको ऑर्गेनाइजेशन में देखने को, किसी भी तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, वहाँ पे आपको ये मेजॉरिटी में देखने को मिलेगा। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। देखिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, इट इज़ द मैनेजमेंट और द सेटलमेंट ऑफ द सिचुएशन इन विच पीपल डिसएग्री इन अ वेरी एक्टिव मैनर। जब भी हमारे पास किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसको जो हम मैनेज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे एगो लिख, ये एक लाइन लिख रखी है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए कॉन्फ्लिक्ट का अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो ये टर्म जो थी ये 15th century में कॉइन हुई है। इसका जो ये लेटिन वर्ड से ली गई हुई है कॉन्फ्लिक्टस, जिसका मतलब है टू स्ट्राइक हार्ड, ठीक है। तो ये है आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। देखिए अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट लीड्स टू, अगर मतलब किसी भी तरह से अब अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बेहतर तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या रहती है, उसकी एडवांटेजेस यहाँ पे क्या रहती है। देखिए फर्स्ट एडवांटेज उसकी ये है कि इट लीड्स टू द कोलैबोरेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड देन सॉरी कोलैबोरेशन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टीम मेंबर्स, ठीक है। देखिए आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी कंपनी में है, और आप उसको सही ढंग से मैनेज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो वर्किंग क्लास होगी वहाँ पे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनमें कोलैबोरेशन ज़्यादा होगा क्योंकि हर चीज़ को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनकी जो टीम बॉन्डिंग होगी, उनकी जो टीम स्पिरिट होगी या फिर अंडरस्टैंडिंग जो होगी उसमें उन मेंबर्स में, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर उनमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो इससे क्या होगा, उनके
उनके जो वर्किंग रिलेशनशिप होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सब अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी तरह की अगर वो है तो उससे जो है उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड लास्ट, ट्रस्ट अमंगस्ट कोलीग्स, इससे क्या होगा, अगर कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है आइडियोलॉजीज़ में, अगर डिफरेंसेस भी हैं तो आप उसको अगर अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि उन जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के, जो भी वर्किंग क्लास है वहाँ पर, उनके बीच में ट्रस्ट जो है वो भी बिल्डअप होगा। सो यस, इसके नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज़ स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट में हमारे पास कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले देख लीजिए, हमारे पास लेटेंट स्टेज होती है। लेटेंट स्टेज में क्या होता है, पार्टिसिपेंट नॉट अवेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है तो लेटेंट स्टेज में वो दो इंडिविजुअल जो हैं वो अवेयर भी नहीं होते हैं इस तरह से कि भाई उनके बीच में किसी ना किसी तरह का आर्ग्यूमेंट हो रहा है और ये जो है ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, मतलब वो अभी समझ ही नहीं पाते हैं कि ये जो आर्ग्यूमेंट उनके बीच में हो रहा है। समटाइम्स हम इसको अपनी डेली लाइफ्स में भी देखते हैं, ठीक है, जब हम किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में होते हैं और हमें खुद भी नहीं पता होता है कि भाई ये चल के आगे चल के ये जो है एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनने वाला है। सेकेंड इज़ प्रसीव्ड स्टेज। देखिए, प्रसीव्ड स्टेज में क्या होता है, पार्टिसिपेंट अवेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट, मतलब इसमें एक जो जो दो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, इनमें खींचातानी आ जाती है, मतलब ये इनमें जो फीलिंग वाला इमोशन है ना कि हमारे बीच में झगड़ा स्टार्ट हो चुका है वो आ जाता है, खींचे खींचे रहते हैं ये एक दूसरे से, इन दोनों के बीच में तनाव रहेगा, ठीक है, इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं वो सेकंड स्टेज में, दैट इज़ प्रसीव्ड स्टेज, वहाँ पे ये फील करते हैं। थर्ड जो है दैट इज़ फेल्ट स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके साथ होते हैं, ठीक है, या जो भी नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं वो इंसान फील करने लग पड़ जाता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया तो यहाँ पे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो चीज़ अब आप फील कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला स्टेज क्या था, लेटेंट स्टेज, जहाँ पे आप अवेयर भी नहीं थे, सेकंड स्टेज में आपने उसको फील करना स्टार्ट कर दिया था, एंड थर्ड फेल्ट स्टेज में आप कम्प्लीटली उसको फील कर रहे हो, आपको पता है कि भाई हाँ मेरा किसी सेकंड पर्सन के साथ जो है वो झगड़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, और यहाँ पे आपको नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो आप फील करेंगे। फोर्थ स्टेज इज़ मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट में क्या होता है कि आपके साथ साथ जो सेकेंड पर्सन, मतलब जो आपके इन एंड अराउंड लोग खड़े होंगे या फिर जो आपको जानते होंगे, उनको भी ये पता चल जाएगा कि भाई ये कोई दो इंडिविजुअल हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पर भी, आपकी फैमिलीज में कहीं पर भी, इन और इन दोनों के बीच में किसी ना किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस प्रोसेस, ये इस स्टेज में जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, वो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट स्टेज है दैट इज़ aftermath स्टेज। देखिए, aftermath स्टेज क्या होती है, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन ऑल द कॉन्फ्लिक्ट हैपन और डेल्ट विद, ठीक है, आपको पता चल चुका होता है कि ये रिजॉल्व होगा या अनरिजॉल्व रहेगा, ठीक है, तो ये होती है आपकी aftermath स्टेज, जब ऑब्जर्व होने के बाद भी, तो जब सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको मैनेज कर लिया जा चुका होता है और आपको पता चल चुका होता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट है हमारा, वो हमारे बीच में रिजॉल्व होगा या नहीं। सो दिस इज़ द स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट इज़ थॉमस किलमिन थ्योरी। कह रहे थे किलमिन थॉमस थ्योरी की, देखिए जो किलमिन थॉमस थे ये दो लोग थे, ये दो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लोगों की साइकोलॉजी को समझा और ये बताने की कोशिश की कि जब दो लोग कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं तो वो किस तरह से, या एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थॉमस केलमिन की थ्योरी थी। यहाँ पर इन्होंने चार बिहेवियर को जो है वो डिस्क्राइब किया है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने एक्स एक्सिस पे असर्टिवनेस को दिखाया है और वाई एक्सिस पे इन्होंने कोऑपरेटिवनेस को दिखाया है। देखिए, एक्स एक्सिस पे जहाँ पे असर्टिवनेस लिखा है वहाँ पे लिखा है कंसर्न फॉर सेल्फ। किलमिन जो थॉमस थे उन्होंने बोला कि दो तरह के लोग होते हैं, एक
जो इंडिविजुअल है वो इस तरह से होगा कि वो असर्टिव बिहेवियर अपना जो है शो करेगा। असर्टिव बिहेवियर का क्या मतलब है? जो सेल्फ कंसर्न रहे, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, खुद को जिताने के बारे में सोचे, या फिर जिसको हम ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं, सेल्फ कंसर्न रहता है जो, ठीक है। और जबकि दूसरे एक्सिस पे उन्होंने क्या बताया, कोऑपरेटिवनेस को, ऐसा इंडिविजुअल जो दूसरों के साथ कोऑपरेट करे, मतलब ऑल दो बोथ ऑफ देम आर इन कॉन्फ्लिक्ट, बट जो एक इंडिविजुअल है वो इसके साथ जब कॉन्फ्लिक्ट में होगा वो अपने साथ साथ इसके बारे में भी सोचें या फिर इसके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेवियर जो है वो शो करें। सो दिस इज़ द किलमेन थॉमस थ्योरी। देखिए इसके बाद जो चार बिहेवियर इन्होंने डिस्क्राइब किए वो कौन कौन से थे, देखिए इन्होंने फर्स्ट कहा कॉम्पिटेटिवनेस। कॉम्पिटेटिवनेस में अगर कोई इंसान कॉन्फ्लिक्ट में है और वो कॉम्पिटेटिव है तो वो क्या करेगा, वो टफ बैटलर होगा, मतलब वो ज़्यादा फाइट करेगा, वो अपने आप को आगे रखेगा और अपने आप को प्रूव करने के लिए वो सेकंड पर्सन को हो सकता है कि वो नीचे दिखाए। सो क्या होता है इसमें जो कॉम्पिटेटिव अप्रोच होती है जब कॉन्फ्लिक्ट में, तो यहाँ पे द पर्सन ट्राई टू विन दैट बैटल एंड डू नॉट केयर फॉर अदर, ठीक है। सो ये है आपकी कॉम्पिटेटिव अप्रोच, जहाँ पे एक जो इंडिविजुअल है वो कॉन्फ्लिक्ट में कॉम्पिटेटिव अप्रोच को दिखा के रिएक्ट करता है। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है हमारा एकोमोडेटिंग। देखिए एकोमोडेटिंग में जैसे यहाँ पे इस इंडिविजुअल को दिखाया है और दिखाया है कि कैसे अपने हैंड रेज करा और अपना फ्रेंडली जो नेचर है, ऑल दो दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट बट वो अपना हेल्पिंग नेचर जो है वो दूसरों की तरफ भी दिखा रहा है। तो एकोमोडेटिंग में क्या होगा, ये हेल्पिंग होगा एंड यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशनशिप होंगे, ठीक है। तो और ऑल दो वो कॉन्फ्लिक्ट में है बट फिर भी ये इंसान अपने आप को लेट गो करेगा ताकि दूसरों को भी जो है वो चांस मिल पाए, ठीक है। एंड डू नॉट पुट इटसेल्फ एट द फर्स्ट, क्यों, क्योंकि सामने वाले इंसान को भी ये जो है वो अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है और उसको भी समझने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे ये अपना फ्रेंडली रिलेशनशिप दिखाएगा। देखिए अगर आपको पूछा जाए कि कॉम्पिटेटिवनेस में असर्टिवनेस हाई होती है या लो होती है, तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे असर्टिवनेस नीचे, देखिए यहाँ पे हाई लिखा है, ठीक है, यहाँ पे ये नीचे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे कॉम्पिटेटिवनेस में हमेशा जो असर्टिवनेस होती है वो हमेशा हाई होती है और जो कॉपरेटिवनेस होती है वो हमेशा लो होती है, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर हम एकोमोडेटिंग की बात करें तो एकोमोडेटिंग में जो कॉपरेटिवनेस होगी वो हमेशा आपकी हाई रहेगी और जो असर्टिवनेस है, ठीक है, वो हमेशा लो रहेगी। नेक्स्ट बिहेवियर है आपका देखिए अवॉइडिंग। अवॉइडिंग में क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी असर्टिवनेस है वो भी लो रहेगी और जो कोऑपरेटिवनेस है वो भी लो रहेगी। इस तरह के लोग क्या होते हैं, इस तरह के लोग जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ये हमेशा वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अवॉइडिंग मोड में होते हैं ये, ना तो ये कॉन्फ्लिक्ट में आना चाहते हैं ना ये बहस करना चाहते हैं, इसीलिए ये हमेशा क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं और जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट इनको देखने को मिलेगा ये वहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है। इसके ऑपोजिट में कौन सा बिहेवियर है, इसके ऑपोजिट में है कोलैबोरेटिंग बिहेवियर। ये सबसे अच्छा जो है वो बिहेवियर माना जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी ये कोलैबोरेटिंग बिहेवियर होगा तो इससे दोनों ही इंडिविजुअल को बेनिफिट होगा और साथ ही साथ जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों काम करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को भी जो है वो प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही क्या करेंगे, प्रॉब्लम को, कॉन्फ्लिक्ट तो इनमें होगा बट ये उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे दोनों ही, ये बोथ एंड पे ये इस प्रॉब्लम को, जो भी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा या जो भी इनके दरमियान जो भी प्रॉब्लम आई होगी जिस वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा जो कोलैबोरेटिंग बिहेवियर होता है किसी भी इंडिविजुअल का वो हमेशा हाई ऑन असर्टिवनेस, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो कोऑपरेटिवनेस है उसमें भी ज़्यादा ही होता है, मतलब दोनों चीज़ों में, असर्टिवनेस में और कोऑपरेटिवनेस में भी ज़्यादा होता है। क्यों, देखिए इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपने लिए कंसर्न्ड तो होता ही है, तो यहाँ पे क्या आ गया, अब जब अपने लिए कंसर्न्ड होगा वो तो वहाँ पे आ जाएगी आपकी
assertiveness, but साथ ही साथ at the same time he helped for others also, so that he or she make them happier. ठीक है, तो वहाँ पे क्या आ गया, cooperativeness. तो ये जो approach होगी वो high on assertiveness and at the same time high on cooperativeness जो है वो देखी जाएगी. और साथ में मैंने आपको बता दिया ये जो अप्रोच है ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी या फिर अच्छा बिहेवियर माना जाता है. ठीक है, तो ये थी आपकी थॉमस केलमेन थ्योरी. आप इसको अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा या फिर आप इसको एक बार वापस देखिएगा, आपको ये समझ आ जाएगा. नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी. देखिए कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सी स्ट्रैटेजीज होती हैं. ठीक है, बट हमेशा हर एक चीज़ के लिए जो बेसिस है वो हमेशा सिमिलर रहते हैं या फिर जो फाउंडेशन है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने की वो सिमिलर रहती है. तो इसी में हम उसी चेन को देखेंगे कि क्या है वो. देखिए फर्स्ट है, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है ठीक है, तो सबसे पहले इंडिविजुअल को जो है वो हमेशा काम रहना चाहिए. ठीक है, जो भी इंडिविजुअल्स जो होंगे, जो दो लोग होंगे, अगर उनमें किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसमें आपको जो एक इंडिविजुअल होगा उसको काम और कंपोज रहने की ज़रूरत है. ठीक है, सो दैट वो आर्ग्यू ना करे किसी भी डिफरेंट पर्सन से जो भी उसके ऑपोजिट में होगा. ठीक है, सेकंड है आपका लेट द अदर पर्सन डू द टॉकिंग. मतलब अगर दो पर्सन है ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंडिविजुअल जो है वो लगातार बोलता रहे, आप दूसरे वाले इंसान को भी चांस दीजिए एंड लेट द अदर पर्सन कम आउट सो दैट उस वो भी अपनी जो भी उसकी आइडियोलॉजी है, जो भी थिंकिंग है वो आपके सामने उसको रख सके. नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट है आपका जेन्युइनली कंसिडर द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू. अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ आप सामने वाले पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी देखिए, उसको भी कंसिडर कीजिए. देखिए हम जब भी कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपनी बातें दूसरों को सुनाते हैं. सामने वाले का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या सामने वाला क्या बोलना चाह रहे हैं हम उस चीज़ को कंसिडर नहीं करते. ठीक है, तो इसलिए इस वाले पोर्शन में हमें ये देखना है कि जो सामने वाला इंसान जो है वो क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, फोर्थ है आपका यूज़ पॉजिटिव वर्ड्स लाइक येस आई अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली यू आर सेइंग. देखिए साथ ही साथ जब ये वाली अप्रोच होगी या फिर ये वाला पॉइंट आएगा तो इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में हमें क्या करना है कि हमें सामने वाले को ये शो करना है कि भाई हाँ हम आपकी बात को सुन रहे हैं. ऐसा ना हो कि आप सामने वाला आपको अपनी बात सुना भी रहा है तो आप उसको जो है वो अवॉइडिंग नेचर में हो, मतलब आप उसको अवॉइड कर रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट इज इफ़ अ सिचुएशन टर्म वर्बली एब्यूजिव पुट अ स्टॉप टू इट. साथ ही साथ देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में हैं वो आपको सुनाए भी जा रहा है और आप सुन भी रहे हैं, बट उसकी जो टोन है वो बहुत ज़्यादा एब्यूसिव है. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ऐसी है कि वो आपको मतलब आपके ऊपर एक डेरोगेटरी रिमार्क आ रहे हैं. तो ऐसा भी आपको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं करना है, आपको अपने आप को भी फुल इम्पोर्टेंस देनी है. ठीक है, एंड यू हैव टू पुट स्टॉप ऑन इट व्हेन एवर ही और शी सेज समथिंग अब्यूजिव टू यू. ठीक है, नेक्स्ट इज इफ़ यू आर रॉन्ग क्विकली एडमिटेड एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट में आपको पता है कि आप वहाँ गलत जा रहे हैं तो आप वहाँ पे सॉरी भी कहिए या फिर उसको क्विकली एडमिट कीजिए कि हाँ भाई ये मैंने गलत बोला है. ठीक है, लास्ट इज यूज़ पावर ऑफ विजुअलाइज. जब वो पूरा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाएं, तो आप उसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, आप उसको इवेल्यूएट करने की कोशिश कीजिए, देखिए कि क्या कहाँ पर इस जो आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ कहाँ पर आप गलत गए, कहाँ पर सामने वाला गलत गया, क्या हुआ एक्चुअली जिस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है. ठीक है, सो ये था आपका कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का एक तरीका. ये आपको मुझे हम सभी को नॉर्मली पता है बट हम कभी इसको इन थ्योरेटिकल वे में नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये है आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. देखिए अब जो लास्ट जो सब टॉपिक है आपका कम्युनिकेशन इसमें वो है आपका लीडरशिप स्टाइल. ठीक है,
सो यस, हम बात कर रहे थे लीडरशिप स्टाइल की। देखिए लीडर, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, लीडरशिप स्टाइल हम इसलिए पढ़ते हैं इसमें क्योंकि ये अपने आप में एक पर्सनालिटी शो करता है, ठीक है। तो लीडर कौन होता है, अगर मैं लीडर की बात करूँ, देखिए लीडर वो होता है जो कोई भी काम जो है वो दूसरों से करवाए इन द मैनर ही डिज़ायर्ड, ठीक है। अपने जैसा वो चाहता है उस तरह का काम वो जो है वो दूसरों से करवाएं, या फिर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको मैनेज करें, ठीक है। तो किस किस तरह के लीडरशिप स्टाइल जो है वो हम देख सकते हैं। फर्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक को पार्टिसिपेटिव स्टाइल भी बोला जाता है। देखिए इसको पार्टिसिपेटिव स्टाइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हर एक इंडिविजुअल जो है वो पार्टिसिपेट करता है। इन दिस लीडर मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन द इनपुट ऑफ द ईच टीम मेंबर्स। देखिए अगर लीडर को कोई भी काम करवाना है, ठीक है, यहाँ पे लीडर है और यहाँ पे कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लीडर क्या करेगा, इन सब का इनपुट को लेगा या फिर इन सब की एडवाइसेस को लेगा, जो भी इसके एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है, इन सभी की एडवाइस को लेगा एंड रीच आउट अ सॉल्यूशन या डिसीजन कि किस तरह का काम जो है वो उनको करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ द बेस्ट आउटकम कैन बी सीन इन द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल। जो देखिए जो सबसे अच्छा जो डिसीजन होगा या सॉल्यूशन जो होगा वो हमेशा इसी जो डेमोक्रेटिक स्टाइल है लीडरशिप का वहीं पर देखने को मिलेगा, बिकॉज इट अलोज द लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। देखिए जितनी ज़्यादा हमारे पास एडवाइसेज होंगे, जितने ज़्यादा हमारे पास थॉट्स होंगे, उतना ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट जो है वो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लीडरशिप स्टाइल में डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप स्टाइल है उसको सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर सबसे अच्छा माना गया है। सेकेंड है आपका, देखिए आप ये जो वर्ड्स हैं ना, आप इससे भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की लीडरशिप जो है ये दिखा रहे हैं। जैसे डेमोक्रेटिक में मैंने आपको बोला, तो डेमोक्रेटिक में जैसे मैंने आपको डेमोक्रेटिक बोला, आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे सभी का इनपुट होना चाहिए या सभी का इनपुट होता है। नेक्स्ट है आपका ऑटोक्रेटिव, ठीक है, ऑटोक्रेटिव स्टाइल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच क्यों है, क्योंकि आप जो हमारा लास्ट टाइम था या फिर जो मिडविल एरा था हमारा, वहाँ से ही आप इस ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप को जो है वो ट्रेस कर सकते हैं। और ये क्या होता है, इट इज़ एन इनवर्स टू द डेमोक्रेटिक, मतलब ये डेमोक्रेसी के जस्ट ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो यहाँ पे जैसे ऊपर वाले स्टाइल में हम क्या कर रहे थे, हम जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी पार्टिसिपेशन भी ले रहे थे, जबकि ऑटोक्रेटिक स्टाइल में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनका इनपुट जो है वो नहीं लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एम्प्लॉयज़ आर नाइदर कंसिडर्ड नॉर कंसल्टेड प्रायर टू एनी डिसीजन। मतलब यही सेम ही बात है कि जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, ठीक है, उनको ना तो कंसल्ट किया जाता है ना कुछ, मतलब आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं और वहाँ का जो बॉस है वो आपको बोल रहा है कि भाई तुझे 2 घंटे नहीं, तुझे 3 घंटे काम करना है, 3 नहीं 4 4 नहीं आपको 10 घंटे काम करना है, तो वहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, वो एक ऑटोक्रेटिक मैनर ऑफ लीडरशिप दिखा रहा है, जहाँ पे वो उसको डिक्टेट कर रहा है, अपने एम्प्लॉय को जो है वो डिक्टेट कर रहा है कि भाई आपको इस तरह से काम करना है, ठीक है। और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई लीडर जो है या फिर कोई बॉस जो है वो ऑटोक्रेटिक मैनर में बिहेव करेगा तो ऑटोमेटिकली जो एम्प्लॉयज़ होंगे उस कंपनी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो वहाँ से क्विट कर जाएंगे, ठीक है, वो वहाँ पर काम करना ही पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे वो क्विट करेंगे तो यहाँ की एब्सेंटीज जो होंगी ना वो बढ़ जाएंगी। जब एब्सेंटीज बढ़ जाएंगी तो जिस भी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जिस भी मैनर में काम कर रही होंगी या जो भी उसका नेचर होगा, वहाँ की जो प्रोडक्शन होगी, ठीक है, या फिर अगर वो सर्विसेज में डील कर रहा है तो वहाँ की जो सर्विसेज होंगी वो कमज़ोर पड़ जाएंगी, वो ढीली पड़ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा लेजर फेयर लीडरशिप स्टाइल। देखिए हाँ, सो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे लेसर फेयर लीडरशिप स्टाइल की। देखिए लेसर फेयर लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, देखिए मैं आपको पहले एग्जांपल से समझाती हूँ, देती हूँ। देखिए इस लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि जो लीडर होता है वो क्या करता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को फुल अथॉरिटी देता है, ठीक है,
फुल अथॉरिटी देता है और उनको बोलता है कि आपको जिस भी मैनर में काम करना है आप करिए, बस हमारी जो प्रोडक्टिविटी है या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को आपको टॉप पोजीशन में पहुंचाने की कोशिश करनी है। और यहाँ पे लीडर क्या करता है, जब उन्होंने उस जो एम्प्लॉयज़ हैं ठीक है उसको उनको फुली फंक्शनल बना दिया, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि लीडर कहता है कि भाई आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने एंड पे काम कीजिए, जैसा आपको मन करता है जिस तरह से आपका मन करता है उस तरह से आप अपना काम कीजिए। तो इस तरह की जो भी लीडरशिप स्टाइल होगी यहाँ पे आपको जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे ना जो कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होंगे वहाँ पे आपको हमेशा उनका बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी ठीक है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से वहाँ पे काम करेंगे, मन चाहे तौर पे अपना वहाँ पे काम करेंगे। इसीलिए एम्प्लॉयज़ की आपको यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। देख लेते हैं अब लिखा क्या है, देखिए लेस फेयर लीडरशिप स्टाइल जहाँ पे द फ्रेंच टर्म लेस इज फेयर लिटरली मीन्स लेट देम डू कि यहाँ पे ये फ्रेंच टर्म से निकला है, कौन सी टर्म से, लेस इज फेयर जिसका मतलब होता है लेट देम डू, जहाँ पे लीडर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोलता है भाई लेट द वर्क द वे यू वॉन्ट ठीक है, जिस तरह से आप काम करना चाहते हैं उस तरह से कीजिए। इसको और क्या बोला जाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हैंड ऑफ स्टाइल ठीक है। इन दिस मैनेजर प्रोवाइड लिटल एंड नो डायरेक्शन एंड गिव एम्प्लॉय एज मच फ्रीडम एज पॉसिबल ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। नेक्स्ट इज इट एम्पावर्स द एम्प्लॉय एंड शोज ट्रस्ट। देखिए जब फॉर एग्जाम्पल जब मैंने आपको जैसे ही बताया लीडर ने फुल्ली उनको अथॉरिटी दे दी कि भाई आप जिस तरह से काम करना चाहते हैं आप कीजिए, तो इस यहाँ पे आपको एक रिलेशन देखने को मिलेगा जो ट्रस्ट का होगा, मतलब जो अपना ये जो अपना लीडर होगा, ये जो आपका लीडर होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, ये अपने एम्प्लॉय पे ट्रस्ट दिखाएगा ठीक है, भरोसा दिखाएगा, फेथ दिखाएगा, ये है आपका लेस इज फेयर लीडरशिप। लास्ट लीडरशिप जो स्टाइल है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। सो देखिए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल में आपको ये वर्ड ही बता देगा कि किसी ना किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की जो लीडरशिप है वो प्रोवाइड करेगी। देखिए आपको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ बेसिकली पहले कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल होता क्या है। देखिए इसमें जो लीडर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगा, और कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा, इनकी जो कैपेबिलिटीज़ होंगी उनको इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। देखिए इस तरह की जो ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल होती है इसमें जो लीडर होता है ना वो हमेशा हमेशा क्या करता है कि कुछ प्री डिफाइंड गोल्स देता है ठीक है, प्री डिफाइंड गोल्स या कुछ प्री डिफाइंड सेट या टास्क होंगे ठीक है, और वो किसके लिए डिज़ाइन करता है, ये लीडर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उनको डिज़ाइन करता है ठीक है। और साथ ही साथ जैसे जैसे ये एम्प्लॉय जो है वो इतना कैपेबल होता जाता है, या फिर जैसे जैसे ये एम्प्लॉय जो है ये इन प्री सेट डिज़ाइन सॉरी टास्क को जो को जैसे जैसे ये अचीव करता जाएगा वैसे वैसे लीडर भी इनके जो टास्क हैं उसको ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाता जाएगा। ऐसा क्यों करेगा, ताकि उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज हों ठीक है। ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल जहाँ पे एक लीडर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचता है, उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के बारे में सोचता है। तो देख लीजिए लिखा क्या है, इन दिस लीडरशिप स्टाइल्स द एम्प्लॉय माइट हैव टू स्टार्ट बेसिक सेट ऑफ टास्क एंड गोल्स एंड दैट दे कम्प्लीट इन अ वीक और मंथ। मतलब ये जो टास्क दिए गए होंगे एम्प्लॉयज़ को लीडर के द्वारा ठीक है, ये इनको कुछ मतलब इसके साथ साथ एक प्री डिफाइंड टाइम भी उनको दिया गया होगा कि भाई अगर आपको 10 यूनिट जो हैं वो प्रोड्यूस करने हैं तो उसके लिए आपके पास एक वीक का टाइम है या एक दिन का टाइम है ठीक है। नेक्स्ट है वाइल द गोल माइट सीन सिंपल एट फर्स्ट द मैनेजर गिव यू मोर चैलेंजिंग गोल एज यू ग्रो विद द कंपनी। देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे ये एम्प्लॉय जो है वो अपनी जो उसके जो गोल्स होंगे या उसके जो टास्क होंगे उनको अचीव करता जाएगा, तो
क्या होगा कि जो इनका लीडर होगा वो भी स्मार्ट प्ले करेगा और वो भी इनके जो चैलेंजेस होंगे या फिर इनके जो टास्क होंगे या फिर इनके जो गोल्स होंगे उनको भी और ज़्यादा चैलेंजिंग बनाएगा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाएगा। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपके साथ बात की, जो प्रीवियस वाला लीडरशिप स्टाइल था जिसमें हमने देखा परफॉर्मेंस लीडरशिप स्टाइल, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल की जो एम्प्लॉयर है उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस देख सकते हैं एंड दैट टू इन जस्ट वन स्ट्रोक। ठीक है, आपने उसको कोई टास्क दिया, उसने एक आप और साथ साथ आपने उसको फुल अथॉरिटी भी दी और उसने क्या किया, एक ही स्ट्रोक में उसकी जो कैपेबिलिटीज थी उसको दिखा दिया। ठीक है, जबकि इस वाले लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, यहाँ पे आपकी कैपेबिलिटीज जो होंगी ना उसको स्टेप्स में जो है वो बढ़ाया जाता है। ठीक है, ऑल्दो ये प्रोसेस स्लो है, ठीक है, बट ये भी जो है, ये लीडरशिप स्टाइल भी जो है वो बहुत बेनिफिशियल होता है क्योंकि अल्टीमेटली जब आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ाई जाएंगी यहाँ पर भी आप अपना ज़्यादा आउटपुट जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में डालेंगे, किसी कंपनी में डालेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे हो जाता है आपका जो कम्युनिकेशन, जो इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल का जो आपका जो सिलेबस में जो आपका कॉम्पोनेंट था वो यहाँ पे कम्प्लीट हो जाता है। इसके साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी अब कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है, बहुत जल्द। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू वेरी मच।